जिन्होंने नया इतिहास रचा, वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर जो निर्माण में जो जो श्रमिक लगे थे, जिन मजदूरों ने अपना पसीना बहाकर, अपना खून पसीना बहाकर इस भवन को तैयार किया है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के मौके पर उन सबका सम्मान कर रहे हैं। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब पूर्ण हुआ था उस समय भी देखा था कि वो श्रमिकों के योगदान को उन्होंने याद किया था, और आज भी क्योंकि इनका ही पसीना रहेगा और उनकी तरफ पूरे देश का एक तरह से इस समय सेवा धर्मो शुक्रिया, पूरा देश जो धन्यवाद कर रहा है उनको और प्रधानमंत्री उनका, इसलिए सब लोग सोचना चाहिए, ये भी आयुष्मान होना चाहिए, हमारा राजा भी अच्छा होना चाहिए। आज राजा अच्छा होता है, यथा राजा तथा प्रजा, राजा धर्म मार्ग में जाएंगे, प्रजा भी धर्म मार्ग में जाएंगे, प्रजा अधर्म मार्ग में जाएंगे, राजा भी अधर्म मार्ग, इसलिए हमके लिए मिला धर्म मार्ग रास्ता देने वाला, धर्म रास्ता बनने वाला ये दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने, इसलिए ये ऐसे राजा दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल। भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से है सुब्रता सूत्रधार, बंबू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं, 2 वर्षों से ज्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैंबर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है, इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है। बहुत सुंदर पल ये, बहुत ही सुंदर पल जब उन सबको याद किया जाए, क्योंकि आम तौर पर क्या होता है कि आप चाहे अपने घर का निर्माण करवाएं या फिर किसी भी इमारत का निर्माण करवाएं।